हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। स्मार्ट बनी ट्यूटोरियल सीरीज के इस डे 6 में आपका स्वागत है। यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम सीखने वाले हैं सारे शेप टूल्स के बारे में, उसमें कैसे साइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, डायमेंशन कैसे देनी है और सभी मॉडिफायर्स कीज के बारे में भी डिटेल्स के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल से। रेक्टेंगल टूल जैसे सिलेक्ट करते हो तो आपके पास इस तरह का रेक्टेंगल आ जाता है। अभी आप को क्या करना है, सिंपल मैं कहीं पे भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एरो की प्रेस कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे राइट एरो की प्रेस, लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ग्रीन एक्सिस में आ गया। ओके, ये हो गया राइट रेड एक्सिस, ये हो गया ब्लू एक्सिस। इस तरह से हम अलग अलग एक्सिस में रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सिंपली क्लिक करता हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, राइट एरो की प्रेस करूंगा तो रेड एक्सिस में ये क्रिएट हो रहा है और लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो ग्रीन एक्सिस में क्रिएट होगा, अप एरो से ब्लू एक्सिस में। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये बीच में से स्केल हो रहा है। फिर से मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो कॉर्नर से ये स्केल हो रहा है, ये कॉर्नर से रहा। जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो ये सेंटर से स्केल होगा। इस तरह से आप कंट्रोल प्रेस कर करके टॉगल कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो जनरली नॉर्मली कहीं पे भी क्लिक करके इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपको मेजरमेंट दे के रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है वहाँ पर सिंपल क्लिक कर दीजिए और ड्रैग कीजिए माउस को। अगर आपको 4x2 का रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा 4 अल्पविराम कोमा मीन्स कोमा और 2, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इस डायमेंशन टूल की मदद से आप जान सकते हो कि कितने बाय कितने का रेक्टेंगल है या कितने बाय कितने का कोई भी एंटिटी है। ये 2x या 4x2 का आपके यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया है। ओके, तो बस रेक्टेंगल का इस्तेमाल ऐसे ही करना था। अगर आपको अलग डायरेक्शन के अंदर करना है, जैसे ग्रीन एक्सिस के अंदर करना है, इस तरह से लेफ्ट एरो की मदद से आप ग्रीन एक्सिस में भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये था रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल के बारे में और भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, विंडो में जाऊंगा, बाय डिफॉल्ट ट्रे को शो कर देता हूं। इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्टर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जानकारी यहां पे बताई गई है। और एक चीज़ था, जैसे मैं यहां पे क्रिएट किया, अगर आपको मन बदल गया कि अभी मुझे यहां पे रेक्टेंगल क्रिएट नहीं करना है तो आपको सिंपली कीबोर्ड पे एस्केप की प्रेस करनी है, तो ये देखिए ये गुम हो गया, ये ऑपरेशन हमने कैंसिल कर दिया। पहले हमने सोचा था यहां पे क्रिएट करते हैं लेकिन फिर सोचा नहीं करना है तो मैं एस्केप की प्रेस करके यहाँ पे ऑपरेशन कैंसिल कर देता हूँ। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मोर डिटेलिंग में यहाँ पे बताया जाएगा स्केचअप की वेबसाइट के अंदर से ना। जैसे यहाँ पे बताया गया है, अगर आपको जैसे ही रेक्टेंगल क्रिएट करते हो और बीच में डॉटेड लाइन आती है तो उसको स्क्वायर माना जाता है, और दूसरी बार लंबा रेक्टेंगल के अंदर ऐसी लाइन आती है तो उसको गोल्डन सिलेक्शन कहते हैं, मींस दो स्क्वायर का कॉम्बिनेशन। जैसे ही आप यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, इसका मींस ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अगर आप इस तरह से रोटेट कर रहे हो और रेक्टेंगल में ऐसी डॉटेड लाइन आ रही है तो उसका मींस ये है कि ये गोल्डन सिलेक्शन है, मींस दो स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है। ओके, ये हमने गोल्डन सिलेक्शन क्रिएट किया है। और इस रेक्टेंगल या कोई किसी भी लाइन के अंदर आपको ये ब्लू वाला मिड पॉइंट दिख जाएगा, ये मिड पॉइंट होता है किसी भी लाइन का, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला के आप इसका बीच का लाइन क्रिएट कर सकते हैं, सेंटर एकदम सेंटर है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे भी मिड पॉइंट मिल जाएगा, ये रहा इसका मिड पॉइंट, ये खुद ब खुद स्नैप हो जाता है, ये देखिए आपको ब्लू डॉट दिख रहा होगा।
ये हुआ मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक, इस तरह से आप बराबर ही कटिंग कर सकते हो। अभी बारी आती है रोटेटेड रेक्टेंगल की। रोटेटेड रेक्टेंगल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको इसमें कोई भी फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्ट करना है। मैं ये वाला कॉर्नर को सिलेक्ट कर दिया, सबसे ये है मेरा फर्स्ट क्लिक। और मुझे दूसरे कॉर्नर पे सिलेक्ट करना है, कोई भी कॉर्नर में आप ये भी चूज़ कर सकते हो और ये भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला यहाँ पे चूज़ करता हूँ। अभी देखिए, अभी अपने पास एक इस तरह का रोटेटेड रेक्टेंगल दिख रहा होगा। ओके, तो आप तो एक तो पहली चीज़ ये है कि आप यहाँ से एंगल डिसाइड कर सकते हो। ओके, अलग अलग एंगल इसे है ना। आप मेजरमेंट बॉक्स में देखोगे तो आपको दो चीज़ें दिख रही होगी, एक तो है विड्थ और दूसरा है एंगल। विड्थ कितनी रखनी है, विड्थ मीन्स इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी रखनी है। तो मुझे 2 फीट का इसका विड्थ रखना है। तो सिंपली मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा टू, फिर मैं प्रेस करूंगा कॉमा मीन्स अल्पविराम, और एंगल मुझे 30 डिग्री रखना है। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे सिंपली प्रेस करूँगा 30 और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए, इसका जो विड्थ है वो हमने 2 फीट का रखा था, और इसका जो एंगल है वो एंगल भी यहाँ से हम दिखा देते हैं प्रोट्रेक्टर टूल की मदद से। देखिए, इसका एंगल भी 30 डिग्री का आ गया है। बस इस तरह से आप रोटेटेड रेक्टेंगल को यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैं यहाँ से ज्वाइंट कर देता हूँ। उसके बाद सर्कल टूल की बारी आती है। सर्कल टूल को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे कोई भी पोजीशन पे क्लिक कर दीजिए, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपली ड्रैग कीजिए। इस तरह से यहाँ पे हमारा सर्कल क्रिएट हो रहा है। ओके, आपको कितने रेडियस का सर्कल रखना है वो भी आप चूज कर सकते हो। अगर मुझे 1.2 फीट का सर्कल क्रिएट करना है, उसका रेडियस देना है, तो 1.2 प्रेस करूंगा कीबोर्ड के अंदर और एंटर कर दूंगा। इसका जो भी रेडियस है ये हमने रखा था 1.2 फीट का। ओके, तो इसका रेडियस 1.2 फीट का, रेडियस का रेडिया मीन्स त्रिज्या, इसको रेडियस कहते हैं और इसको कहते हैं डायमीटर। रुको, ये हमारा हो गया डायमीटर। वन पॉइंट टू रेडियस का हमने एक सर्कल क्रिएट कर लिया है। सिंपली देखो, यहाँ पे भी सेम टू सेम रूल लगेगा। मॉडिफायर कीज लेफ्ट एरो की से ग्रीन एक्सिस, राइट एरो से ब्लू एक्सिस और अप एरो से ब्लू एक्सिस में, ये इस तरह से क्रिएट होगा ये जो सर्कल टूल है वो। अभी देखिए, ये पूरा एकदम सटीक सर्कल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको अलग अलग एजिस का यहाँ पे कॉर्नर्स वगैरह दिख रहा है ना, इसकी साइड्स वगैरह दिख रही है। ये परफेक्ट सर्कल नहीं दिख रहा है, एकदम स्मूथ सर्कल चाहिए अगर हमें। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सर्कल सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट में मैं सिलेक्ट कर दूंगा, फर्स्ट क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा। ठीक है, इन सारी साइड्स को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे तरीका नंबर एक, कंट्रोल प्लस प्लस की। जैसे मैं कंट्रोल प्लस प्लस की यहाँ पे क्रिएट करता जाता हूँ, देखिए इसकी साइड्स में बढ़ोतरी दिख रही होगी। ये देखिए, 47 साइड्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अभी ये जो सर्कल है ना वो पहले के मुकाबले एकदम स्मूथ है। ओके, उसी तरह आप सिंपली सर्कल टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे किसी भी कोई भी पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए और ड्रैग कीजिए। ड्रैग करना है, ओके, क्लिक नहीं किया अभी मैंने, सिर्फ ड्रैग ही कर रहा हूँ कर्सर को।
अभी मैं यहाँ मुझे कितनी साइट्स चाहिए, वो मुझे मुझे चाहिए यहाँ पे 50 साइट्स। जितनी ज़्यादा साइट्स उतना ज़्यादा स्मूथ सर्कल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा 50 और उसके पीछे एस लगा दूंगा और एंटर कर दूंगा। ये देखिए इसकी जो साइड्स है वो 50 साइड्स हो गई है। ये 50 साइड्स वाला यहाँ पे मैंने सर्कल क्रिएट कर लिया है। अगर आपको कम साइड्स चाहिए तो आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना है, जैसे 10 ही साइड चाहिए तो मैं 10 प्रेस करके उसके पीछे एस प्रेस कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। ये देखिए अभी इसकी 10 ही साइड्स दिख रही होगी आपको। तो ये 10 साइड वाला सर्कल है और ये है 50 साइड वाला। जितनी साइड ज्यादा उतना सर्कल स्मूथ बनेगा। और एक चीज है, मान लीजिए आपने एक बार सर्कल तो क्रिएट कर लिया है, फिर उसकी साइड्स बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे? आपको सिंपली सिलेक्शन टूल लेना है, सिलेक्ट टूल लेना है और इसकी एज को सिलेक्ट करना है, ना कि इसकी फेस को। हमें सिंपल इसकी एज को सिलेक्ट करना है और हमें हम जाएंगे यहाँ पे एंटिटी इन्फो के अंदर। ओके, एंटिटी इन्फो अगर आपको यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो आप सिंपली विंडो में जाके डिफॉल्ट ट्रे में जाके एंटिटी इन्फो को चेक कर देना है। तो अभी आपको एंटिटी इन्फो दिखाई देने लगेगा। अभी सिंपल आपको इसकी एजिस सिलेक्ट करनी है। ये अभी एज सिलेक्ट कर लिया, अगर इसकी एज चेंज करनी है तो इसकी एज पे सिलेक्ट कीजिए। सिर्फ इसकी एज को ही सिलेक्ट करना है, ये सब सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, सिर्फ इसकी एज को ही सिलेक्ट करना है। एज को सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे एंटिटी इन्फो के अंदर। जैसे यहाँ पे रेडियस है, सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स मीन्स उसकी साइड हो गई। जितनी ज़्यादा सेगमेंट्स रखना चाहते हो उतने रख सकते हो। फिलहाल इसके तो 10 सेगमेंट्स है। अगर मैं इसको बढ़ा के 30 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये देखिए इसके सेगमेंट्स बढ़ गए हैं। अगर मैं इसके 50 कर देता हूँ, इसके सेगमेंट्स और बढ़ गए हैं। अगर मैं इसको सिर्फ सेगमेंट्स 5 ही रखूंगा और एंटर कर दूंगा, ये देखिए पंचकोण बन गया है, इसके 5 सेगमेंट्स है। तो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो एक बार सर्कल क्रिएट करने के बाद भी। इसको मैं 12 कर देता हूँ। ओके, अभी आपको इसका रेडियस चेंज करना है, 1 फीट का ही रेडियस रखना है। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, 1 प्रेस करके एंटर कर दीजिए। ये देखिए इसका जो 1 रेडियस का ये सर्कल क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। ओके, 1.5 इसका सेगमेंट्स मैं बढ़ा कर देता हूँ 50, ताकि और अच्छा ये सर्कल दिखे। आप चाहे तो 100 भी रख सकते हैं, एकदम परफेक्ट सर्कल दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरह से ये सर्कल टूल काम करता है। और भी सर्कल टूल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इंस्ट्रक्टर के अंदर जाके आप देख सकते हैं। ओके, सॉरी, ये सर्कल टूल को सिलेक्ट करना है पहले, फिर हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। ये रहा, आ गया हमारा सर्कल टूल, ये रहा। यहाँ पे आप कोई वीडियो भी प्ले करके पूरा नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यू कैन आल्सो चेंज द नंबर ऑफ साइड्स इफ यू चेंज द नंबर ऑफ सर्कल और पॉलीगन पर्टिकुलर पॉलीगन इन एनी। ओके, तो इस तरह से हमने सर्कल टूल के बारे में काफी जरूरी चीजें थी वो हमने जान लिया है। और जो एस्केप की है वो सब में सेम ही रहेगा। अगर आपको सर्कल पहले क्लिक करके ड्रैग तो कर लिया है, लेकिन अगर आपको ये ऑपरेशन कैंसिल करना है तो सिंपली एस्केप की को प्रेस करोगे तो ये ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आता है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल का भी इस्तेमाल सर्कल टूल जैसा ही है। सिंपली सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है। यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो बाहर की ओर का शेप आएगा, और तो दूसरी बार कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये सर्कल के अंदर क्रिएट होगा। ये देखिए इस तरह से टॉगल कर करके कंट्रोल प्रेस करके कर सकते हो। जितना भी आपको यहाँ पे रेडियस रखना है रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 फीट का रेडियस रख दे रहा हूँ और एंटर कर देता हूँ। इसमें भी आप सिगमेंट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, इसकी साइड्स चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ट्राइंगल चाहिए तो मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा 3S
और एंटर कर देता हूँ। देखिए ट्राइंगल बन गया है। ओके अगर मैं 5S प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, 5S और एंटर कर दूंगा, तो ये देखिए पंचकोण बन गया। तो अलग अलग पॉलीगन्स बना सकते हो इसकी मदद से। इसके अगर आप एज सिलेक्ट करते हो और एंटिटी इन्फो के अंदर जाते हो, तो जैसे हमने सर्कल टूल के अंदर किया था वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, सेगमेंट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका 7 भी कर सकते हैं। ओके और एक चीज, अगर आपको परफेक्ट सर्कल नहीं चाहिए, ओके आपको एलिप्स स्टाइल चाहिए, तो आपको क्या करना है, सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और स्केल टूल के अंदर जाना है और इस तरह से आप एलिप्स भी बना सकते हैं। जैसा मन चाहे एलिप्स भी आप क्रिएट कर सकते हो स्केल टूल की मदद से। इसको भी इस तरह से हम स्केल कर सकते हैं, स्केल टूल में जाएंगे, कोनों से पकड़ोगे तो बराबर से ये यूनिफॉर्म साइज में स्केल होगा।